Hey guys, welcome to my channel Adelie Mini Sense. My today's topic is COVID-19. ये related होता है SARS और MERS से जो respectively 2002 और 2012 में फैले थे. COVID-19 के अभी तक 3 लाख से ज़्यादा confirmed patients हैं पूरे world में और 14,000 से ज़्यादा लोगों की death हो चुकी है. हमारे India में भी 523 cases confirmed हैं और 10 मौतें हो चुकी हैं. देखिए ये जो आंकड़े हैं ये बदल सकते हैं जब तक कि ये वीडियो अपलोड हो, तब तक तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि कितने आंकड़े बदले हैं. तो COVID-19 होता है कोरोना वायरस डिजीज़, जो कि कोरोना वायरस के वजह से इसके वजह से फैलता है. ओके, ये जो कोरोना वायरस है इसको हम कोरोना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बाहर की लेयर कुछ ऐसे दिखती है जैसे कि क्राउन, तो क्राउन से आया कोरोना. ये रिलेटेड होता है कोरोना विरिडी नाम की वायरल फैमिली से. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप इजीली देख सकते हैं. तो ये जो कोरोना है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. फर्स्ट होता है पैप्लोमर. पैप्लोमर जो होते हैं पैटल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड आउट रहते हैं, और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग कराते हैं. एम प्रोटीन्स मतलब मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेम बाइंडिंग और एक्सोसाइटोसिस वगैरह करवाते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हीमोएग्लुटिनिन एस्टरेज प्रोटीन. ये जो है कुछ स्पेसिफिक सेल्स पर होस्ट के सेल्स पर इन्वेजन कराते हैं वायरस का. फिर एनवेलप होता है. एनवेलप जो है लिपिड बायलेयर होता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है. और अंदर की तरफ आरएनए और उसके साथ एन प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स हैं ये, जो कि आरएनए को प्रोटेक्ट करते हैं. ई प्रोटीन्स भी बाहर के तरफ प्रेजेंट है जो कि सेम बाइंडिंग और फ्यूजन में हेल्प करते हैं. इसका डायमीटर होता है 120 नैनोमीटर. वैसे तो ये प्लियोमॉर्फिक है, मींस स्फेरिकल शेप रहेगा, लेकिन हो सकता है डायमीटर थोड़ा कम ज़्यादा हो, तो 120 एनएम रहता है. अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2019 से चाइना वुहान से. वुहान में पहला केस 17 नवंबर को आ चुका था, लेकिन दुनिया के सामने ये दिसंबर में आया है. फिर इसके बाद हम जानते हैं कि आया कहाँ से, तो ये जूनॉटिक तरीके का इन्फेक्शन है, मींस बेड से ये आया है, किसी एनिमल से आया है ये. और WHO ने इसको 11 फरवरी को नाम दिया COVID-19, और उन्होंने मार्च में इसको डिक्लेयर कर दिया एज पैंडमिक. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मेनली होगा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब कफिंग स्नीजिंग के वजह से हो सकता है. सलाइवरी सीक्रेशन अगर किसी पर चला गया आपका, उससे हो सकता है. अभी प्रेजेंस देखने को मिला है कि हो सकता है कि फीकल रूट से भी हो सकता होगा, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है. सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, कफ, फटीग, मसल पेन, जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन, हेमोप्टाइसिस. हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफिंग के थ्रू अगर ब्लड आता है, दैट इज़ कॉल्ड हेमोप्टाइसिस. ठीक है, इसके बाद हो सकता है आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, चेस्ट पेन हो, आपके ब्लूइश लिप्स हो जाए, फेस हो जाए, और बढ़ती कंडीशन में क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, और इसके बाद आपका डेथ भी हो सकता है. तो ये जो है प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ते हैं सिम्टम्स. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है. लंग्स में जो हमारी टाइप 2 एल्वेलर सेल्स होती हैं जो कि सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं, और सर्फेक्टेंट के वजह से सर्फेस टेंशन कम रहता है एल्वेलाई पर, और गैशियस एक्सचेंज ईजिली हो जाता है. वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ECE2 रिसेप्टर्स, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये आपके किडनी, इंटेस्टाइन और आर्टरीज में भी होता है, तो मतलब ये जो वायरस है ये यहाँ पर भी अपना इफेक्ट दे के आपको बीमार बना सकता है. बहुत मिथ्स हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, तो वो मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे. यहाँ पे मैंने सच्चाई लिखी है, मिथ्स ना लिख करके. ओके, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिएगा. कह रहे हैं लोग कि बहुत गर्मी रहेगी तो ये जो वायरस है ख़त्म हो जाएगा. देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा होता तो वायरस को तो हमारे बॉडी में आते ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही 37 अराउंड होता है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ये जो वायरस है ये ऐसे गर्मी से नहीं मरेगा. ओके, तो ये बहुत बड़ा मिथ है. यहाँ पे मैंने लिखा है इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन एरियाज विद हॉट और एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, मींस ये इन सब में फैल सकता है इजीली. मिथ क्या कहता है कि नहीं फैलता. फिर हम बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गर्म पानी पीने से या एल्कोहल को पीने से आप ठीक हो सकते हैं, या कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा. देखिए सैनिटाइज़र का यूज़ करना अलग कहानी है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसको पीने से आप ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप गर्म पानी से नहाते हैं तो भी कोरोना का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो इस भुलावे में भी आप बिल्कुल ना जिए.
इसके बाद है, कुछ लोग कह रहे हैं गार्लिक जो है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है तो उसे खाने से सब कुछ ठीक होगा। नहीं, उसको खाने से भी नहीं होगा ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशंस की। प्रिवेंशन में आपको हाथ को फ्रीक्वेंटली धोना है, उसको सैनिटाइजर लगा के सैनिटाइज करना है। इसके बाद आपको हमेशा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करके रखनी है। आपकी आँख को, नाक को, मुंह को आपको टच नहीं करना है। इसके बाद आपको अगर फीवर है, आपको कफिंग है, तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। ये बहुत छोटे छोटे प्रिवेंशन हैं, प्रिकॉशंस हैं, आप इनको रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप बार बार किसी से हैंडशेक भी नहीं करें। आप नमस्ते और आदाब वाले कंट्री में जी रहे हैं तो प्लीज़ आप वही करें तो अच्छा होगा आपके लिए। और इसके बारे में और भी कुछ ऐसी डिटेल्स है, जैसे कि कोरोना वायरस जो है उसका जो डीके है वो कॉपर पर 18 आवर्स है, कार्डबोर्ड पर 55 आवर्स, स्टेनलेस स्टील पर 90 और प्लास्टिक पर 100 आवर्स। मीन्स इतनी देर तक ये टिक सकता है इन सब चीज़ों पर। तो आप समझ जाइए कि प्लास्टिक पर 100 घंटे ये जी रहा है, इट मीन्स आपको प्लास्टिक ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप में इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और देखना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं एक और वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी विद मोर डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।